सो हे गाइस, अभी अभी मैं थोड़ी देर पहले ही जमशेदपुर पहुंचा हूं और मुझे कहा गया है कि यहां पे आपको चेकअप सेंटर में चेकअप कराना पड़ेगा। सो मैंने सोचा कि एक वीडियो शूट कर लेता हूं तो आपको भी इन्फो मिल जाएगी कैसे होता है, क्या हो रहा है यहां पे। और यहां पे कैमरा अलाउड नहीं था तो मैं मोबाइल से ही शूट कर रहा हूँ। अभी मैं अंदर जा रहा हूँ चेकअप सेंटर में, बाकी मेरे फ्रेंड जो आया था मेरे साथ में वो तो बाहर रह गया। बस मुझे अंदर जिनको चेकअप कराना है बस वही अंदर जा सकते हैं। ये एक स्कूल है यहाँ पे, उसी में आपको चेकअप सेंटर बना दिया। ओके ओके, सो राइट नाउ आई एम हेयर इन द चेकअप सेंटर एंड यहाँ के आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ मैं। फर्स्ट आप आएंगे तो जैसे आपके सामने वहाँ पे आपको कैमरा रिवर्स करके दिखाता हूँ, मैं एक्चुअल मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, कैमरा अलाउड नहीं है, तभी आपको दिखाता हूँ। ये मास्क भी मुझे इन्होंने प्रोवाइड किया है, जो मेरा मास्क था उन्होंने कह दिया बाहर रखने के लिए, ये मास्क इन्होंने प्रोवाइड किया है। तो मुझे तो अभी तक यही प्रोसीजर मालूम चला है, ये प्रोसीजर कम्प्लीट करता हूँ उसके बाद आपको बताता हूँ क्या होता है आगे। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पे हमारे एक स्कूल है, उसी में ये चेकअप सेंटर बना है, क्योंकि स्कूल कॉलेज तो बंद है, तो यही एक स्कूल का ऑडिटोरियम है, लोयला स्कूल जमशेदपुर टाटा नगर, उसी को इन्होंने चेकअप सेंटर बनाया है। ये प्रोसेस पहले कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ क्या होता है आगे। तो यस, जहाँ पे आपने वो पिंक शर्ट वाले बंदे को देखा वहीं पे आपको खड़े होना है और आपको अपना इन्फॉर्मेशन देना है कि आप कब आए हैं, कहाँ से आए हैं, आपका स्टेट कौन सा है, लाइक दैट। और आप वहाँ पे क्या करते हैं जहाँ से आप आए हैं और आप यहाँ पे क्या करने आए हैं, जैसे आपका ये होम टाउन ऑब्वियसली, तो आपको ये बताना पड़ेगा। और उसके बाद एक सेकंड, होम गिर गया मेरे नीचे। उसके बाद एक मिनट, कैमरा रिवर्स करके दिखाता हूँ, आपको एक फॉर्म देंगे वो, जिसको आपको कंप्लीट करके देना है। उसके बाद आपको वो होम क्वारंटाइन में डालेंगे, अगर आप पे कुछ ये आता नहीं, अभी तक तो कुछ चेक किया नहीं है, बस ये फॉर्म भरने के लिए कह दिया है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है वो फॉर्म। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसा ये फॉर्म, आपको यहाँ पर अपना डेट दे देना है आज का, उसके बाद आप कहाँ से आए, आपका स्टेट क्या है, कंट्री क्या है, ये दे देना है। ऊपर में यहाँ पर आपको जहाँ प्रेषित लिखा हो वहाँ पर अपना आपको नेम एंड एड्रेस देना है। ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा। तो ये हमें मिल भी जाएगा, मैं एक बार इंफॉर्मेशन के लिए, तो ये है और एक और फॉर्म है जिसमें आपको फिर से वही सेम इंफॉर्मेशन देना है, आपका आपका नाम एंड वो फादर्स और हस्बैंड्स नेम। इसके बाद आपको कितने दिन के लिए क्वारंटाइन करेंगे, जैसे यहाँ पर 21 डेज लिखा है, आपको 21 डेज के लिए क्वारंटाइन है, उसके बाद आपको साइन करना है एंड ऑल समथिंग लाइक दैट। सो आई एम बैक होम फ्रॉम द क्वारंटाइन सेंटर एंड वहाँ पे मुझे और फ़ोन यूज़ नहीं करने दिया, किसी ने मना कर दिया तो मैंने भी नहीं किया, बट मैं इसीलिए यूज़ भी कर रहा था क्योंकि सोचा कि बता दो किसी को भी इन्फो मिल जाएगी इससे, ऐसा मेरा कोई रूल तोड़ने का ये नहीं था। सो उन्होंने एक स्टैम्प दिया है यहाँ पे, यू कैन सी इट्स नॉट क्लियर, बट बस यही स्टैम्प देंगे एंड कुछ चेकअप एंड ऑल तो कुछ किया नहीं उन्होंने, उन्होंने बट सिम्टम्स देके पूछा कुछ ऐसा, आपको खांसी हो रहा है, कुछ सर्दी हो रहा है, तो मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा है। और वैसे भी मैं जहाँ से आया उड़ीसा से अपनी ही कार से आया, बाई रोड आया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बस उन्होंने यही पूछा अगर कोई और बोल रहे थे कमर्शियल व्हीकल से आए होते तो शायद आपका चेकअप होता, तो मेरा हुआ नहीं है। और एक IGIS ऐप बोल रहे थे वो डाउनलोड करने के लिए कह रहे थे, बट मेरे फ़ोन में तो वो डाउनलोड हो नहीं सकता क्योंकि वो ऐप स्टोर पे नहीं है, बट गूगल प्ले स्टोर पे है, जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है वो उसे यूज़ कर सकते हैं। तो IGIS ऐप करके है, उसे आप डाउनलोड करिएगा जब चेकअप सेंटर पे जाएंगे। तो बाकी ऑल स्कूल एंड आउटसाइड इट्स टू हॉट देयर, सो होप सो यू गॉट माय पॉइंट क्लियरली। एंड सो जस्ट बिफोर एंडिंग द व्लॉग, आपको कुछ और ही मैं बताना चाहता हूँ कि इन द मॉर्निंग ये कोरोना हेल्थ सेंटर से कुछ और बंदे आए थे
और उन्होंने कुछ ऐसा फॉर्म दिया है मुझे जिसमें मेरे अगल बगल नेबर्स एंड मेरे कुछ घर में क्या फैसिलिटी रहनी चाहिए उस पर है ये कुछ फॉर्म। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड इन्होंने कहा है फिर वापस वो एक या दो दिन में आएंगे और इसे कलेक्ट कर लेंगे। ये वाला फॉर्म भी है। आई होप सो लाइट अच्छी आ रही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और घर के बाहर भी इन्होंने कुछ एक पेपर लगाया है। लेट मी शो यू। एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स देते रहता हूँ स्टोरी एंड ऑल। सो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और भी कुछ कूल स्टफ वहीं पे दिख जाएंगे। सो टिल देन टेक केयर स्टे सेफ। ओके बाय।